विजय भाई एशियाड पैरालंपिक में ऑलरेडी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पुरस्कृत हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं मोटर फाई। हमारे साथ में है विजय भाई और विजय भाई का पूरा गैंग है, दोस्त हैं सभी लोग, काफी खास मित्र हैं। रवि भाई इधर से, दोस्त आप प्लीज अपने बारे में एक बार बता दीजिए। मेरा नाम रवि चौधरी है और मेजर भाई हम सब इकट्ठे ही इस गाड़ी को लेने गए थे। दोस्तों बता दूं, ये क्रेटा SX मॉडल है, टॉप मॉडल है। और विजय भाई के बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं, विजय भाई एशियाड पैरालंपिक में ऑलरेडी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पुरस्कृत हैं। बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। विजय भाई अपने बारे में कुछ बता दीजिए आप प्लीज। मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ और मैंने पिछले कई सालों से देश का प्रतिनिधित्व किया है, कई देशों में जाकर ऑलमोस्ट अधिकतर सभी देशों में मैं खेल चुका हूँ और अभी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 2 चल रहा हूँ अपने कैटेगरी में। और ये मेरे दोस्त हैं, जो जब मैं गाड़ी लेने गया था तो इन्हें योगेंद्र भाई, रवि और ये दिग्विजय भाई और ये अजीत सिंह, इन सब की राय थी कि मैं यही गाड़ी लूं। और भी हैं बट यही गाड़ी इन्होंने चूज की। तो विजय भाई आप बताएंगे गाड़ी आपको कितने की पड़ी ओवरऑल? ये मुझे 20 लाख के करीब पड़ी है। तो 20+ में आपने कोई और ऑप्शन देखा था? आपके मित्रों ने कुछ बताया कि भैया ये गाड़ी की बजाय आप ये गाड़ी भी देख सकते हो? नई गाड़ी हमने 2-3 देखी थी बस, हर जगह मालूम करके इसी गाड़ी के बारे में हमें ज्यादा वो पता चला कि फीचर्स बहुत अच्छे हैं, पूरा सनरूफ है इसमें। हाँ, इसके अंदर पैरानोमिक सनरूफ है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। अगर कंपेयर करें इसको इस सेगमेंट में किसी और कार से तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज्यादा अच्छी कार है। और मतलब जैसे इसका इंटीरियर देख लो आप, बाहर से भी व्यू अगर देखते हो तो जो इसका व्यू है और इंटीरियर है वो अलग ही है। अगर कंपैरिजन करें मारुति सुजुकी से और जो और भी ब्रांड बनाती है कार, तो उनसे सबसे अच्छी मुझे क्रेटा लगती है। और सेम प्राइस में आपने क्या सेल्टोस से कंपेयर किया था इसको? क्या सेल्टोस से कंपेयर किया था, बट अगर हम एक हम बोलते हैं ना शो वगैरह भी एक मैटर करती है, तो मुझे इस सेगमेंट में यही अच्छी लगी थी। विजय भाई आपको दोस्तों पे यकीन था कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को पहले चेक किया हुआ है? नहीं नहीं, दोस्तों पे यकीन था क्योंकि ये अधिकतर जो है जब भी हम डिसीजन लेते हैं सभी मिलकर लेते हैं, दोस्त वगैरह हमारा, एक दोस्त का भाई है सब, अजीत सिंह है, इन्हें भी गाड़ी की बहुत नॉलेज है, ये भी मेरे हर उसमें साथ देते हैं, तो सभी की राय थी कि भाई यही लिए। और आज तक इसको सबसे लंबा कहाँ तक लेके गए आप पीछे? आज तक इसे हम चंडीगढ़ लेके गया हूँ नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप कितना किलोमीटर? 300 के करीब, 300 किलोमीटर के आसपास आपने लगातार चलाई है। कितना डीजल लगा होगा उस वक्त आना जाना इसका? नेक्स्ट प्रोग्राम लद्दाख का है, ले लद्दाख जब पता चलेगा कितना क्या एवरेज रहेगा। आपने पहली सर्विस इसकी कराई है या दूसरी भी करवा चुके? पहली अभी कराई है, इसमें 2-2.5 हज़ार रुपये करीब इसका खर्चा है उस वक्त। और 400-500 यानी कि अभी अप्रोक्सीमेटली कितना एवरेज गाड़ी निकाल रही होगी अगर आपको कुछ अंदाजा हो उसका? 20 करीब निकाल ली, 20 के आसपास तक एवरेज दे रही है। टॉप मॉडल ही क्यों गए, इससे अलग दूसरे आप नीचे वाले मॉडल पे जाते तो आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है कि हमें कुछ कराना नहीं पड़ता है। तो मैंने एक चीज जो नोटिस करी है, इस गाड़ी का जो नंबर है वो बहुत अच्छा आपने लिया है, 999 999। तो ये क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया आप लोगों ने? एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा हमें, ये अगर हम यूपी से यही नंबर लेते तो इसमें हमें 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, पर हमने उत्तराखंड से लिया है तो ये 25,000 रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़े हैं इस नंबर। वाओ, सिर्फ 25,000 में नंबर मिल गया यूपी में डबल कीमत, और आप दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली तो और भी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, ब्लैक कलर में क्यों, कोई स्पेसिफिक रीजन? एवरग्रीन कलर है और हर गाड़ी में मेरे हिसाब से तो ब्लैक कलर सबका फेवरेट ब्लैक, लेकिन गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। कोई जिसको कार इतनी महंगी ली थी तो एक सफाई करवाना, अलग से रखवा लेना चाहिए।
और इस अलग बात करूं विजय भाई, कहीं ऐसा लगता है कि यार एक चीज कुछ किसी चीज की कमी हो गई गाड़ी में अगर थोड़ा रुक जाते हैं या कुछ दूसरी गाड़ी सेलेक्ट करते सेल्टोस पे जाते, या इसी में कोई ऐसा चीज की भाई कुछ मिसिंग है? नहीं, इसमें अभी एक नया मॉडल आया है 7 सीटर अल्काज़र। हाँ, 7 सीटर कर रहे हैं कि वो पहले नहीं आया, क्योंकि हमारा ग्रुप सब दोस्तों का बड़ा है तो हमें सबके पास 7 सीटर ही है, तो बस वो मिस है उसमें। और 2-3 एक्स्ट्रा आते हैं। प्रॉपर एसयूवी कार है वो। हाँ, वो प्रॉपर एसयूवी है। बिल्कुल सही कहा। तो रिकमेंड करेंगे वैसे इस 5 सीटर गाड़ी को दूसरी फैमिलीज को कि भाई हाँ ये गाड़ी अच्छी है, आप ले सकते हो? बिल्कुल जरूर हम रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमने खुद ये अब चलाई है तो देखिए हमने अब तक तो बहुत अच्छा इसका रिव्यू रहा है और आगे देखते हैं। वैसे अब तक तो हम सबको रिकमेंड करेंगे लेने के लिए, जहाँ तक हम जिनके पास भी लेके गए उनकी तरफ से जो हमें फीडबैक मिला है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिला है इस कार के लिए। गाड़ी को रेस लगाई कभी? कितने भगाई आज तक मैक्सिमम? हमने ये तो नहीं भगाई, लेकिन स्कॉर्पियो वगैरह और ये वर्ना वगैरह तो ये चलाई, लेकिन अभी इसका कुछ तेज नहीं चला, इसको तेज नहीं चलाया। 70-80 ये तो नॉर्मल स्पीड, बड़ा नॉर्मल सा है। चले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, विजय भाई का साथ आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।